हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पर नए नए मेडिसिन की जानकारी लेकर आता रहता हूं, ताकि आप तक किसी भी दवा की सही जानकारी पहुंच सके। तो आज मैं इस वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस मेडिसिन का नाम GD HIST 60 mg टैबलेट है। दोस्तों, GD HIST टैबलेट को ल्यूपिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये मेडिसिन 10 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है, जिसका मार्केट प्राइस 96 रुपीज़ है। तो चलिए आज इस वीडियो में GD HIST टैबलेट के बारे में पूरी बातें डिटेल में जानते हैं, जैसे इस मेडिसिन का यूज़ और बेनिफिट्स क्या है, साथ ही साथ इसके डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी बात करेंगे, एंड हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी जानेंगे जिनके साथ GD HIST टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, GD HIST 60 mg टैबलेट में पाए जाने वाले साल्ट के बारे में अगर बात की जाए, तो दोस्तों इस मेडिसिन में साल्ट के रूप में बीटाहिस्टीन 60 mg के स्ट्रेंथ में शामिल होता है, जिसके अगर यूज़ और बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये मेडिसिन मुख्य रूप से कान के अंदर होने वाले मैनियर डिजीज डिसऑर्डर में किया जाता है। इस मैनियर डिजीज डिसऑर्डर के कारण पेशेंट को वोल्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या होती है। इसके अलावा टिनिटस, जिसे आम भाषा में कान बजना कहा जाता है, इस कंडीशन में पेशेंट को कम सुनाई देने के लक्षण भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ शरीर का संतुलन भी बिगड़ता है और पेशेंट को अपना सिर घूमता हुआ महसूस होता है और चक्कर आने लगते हैं। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें मैनियर डिजीज़ एक ही कान को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, मैनियर डिजीज़ को क्रॉनिक माना जाता है और ये बीमारी 45 से 50 साल के उम्र के बाद ही होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या, जिसमें आसपास की चीज़ें घूमती हुई महसूस होती हैं, अगर ये कंडीशन ज़्यादा तेज हो तो पेशेंट को उल्टी होने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी GD HIST 60 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स, चक्कर आने की समस्या में अक्सर एक्चुअल प्रॉब्लम मालूम नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस समस्या में बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, मैनियर डिजीज़ और वेस्टिबुलर न्यूरिटिस जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा सिर पर लगी हुई चोट, माइग्रेन और लंबी बीमारी की वजह से बेड रेस्ट में रहना भी चक्कर आने के कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में चक्कर आने पर इस दवा का यूज डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर इस टैबलेट के डोज के बारे में बात की जाए, तो इस दवा को खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट दिन में 3 बार लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं, लेकिन पेशेंट के एज, वेट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही इस दवा का डोज निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए GD HIST 60 mg टैबलेट को डॉक्टर के सलाह के बाद ही यूज़ करें। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में चलिए GD HIST 60 mg टैबलेट से जुड़े कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर स्किन रैशेज, पेट में दर्द, गैस और चेहरे में सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में GD HIST 60 mg टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसके प्रिकॉशन के बारे में बात की जाए, तो प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को ये दवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट के लिए GD HIST 60 mg टैबलेट काफ़ी ख़तरनाक होता है। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में चलिए उन दवाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनके साथ GD HIST 60 mg टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन्स सल्बुटामोल, फेक्सोफेनाडीन, टर्फिनोडीन, क्लोरफेनिरामाइन के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ GD HIST 60 mg टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में GD HIST टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे।